परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार नित्य विहार प्राकट्यकर्ता अखिल माधुर एक मूर्ति रसिक चक्र चूड़ामणि आनंद नृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्रेमी रसिक जनों, पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज की वाणी अनुसार बहुत कुछ श्रवण कियो। आज के प्रसंग में महाराज श्री हम दासन को बतावे हैं साधक के उत्थान का अचूक उपाय कौन से उपाय? नाम जप, कृपा अवलंब, अनन्य आश्रय, दीन भाव पूर्वक प्रार्थना करना है। प्रेमी जनों, एकमात्र बिहारी बिहारन की प्रसन्नता नित्य वस्तु हस्तामल शीघ्र ते शीघ्र अवश्य ही होती है। महाराज श्री बतावे हैं पद के माध्यम से शरण तिहारे श्री हरिदास। हे स्वामी जी महाराज, कृपालु दयालु, हम तो आपकी शरण हैं। प्यारे प्रेमी जनों, या पद के माध्यम से हमको प्रार्थना कैसे करनी है? शरणागति को स्वरूप का है? कैसे कैसी ये जीव हताश है, ये महाराज श्री हमदासन को समझा रहे हैं या पद के माध्यम से समझनो है। शरण तिहारे श्री हरिदास। हे स्वामी जी महाराज, हम आपकी शरण हैं। शरणागत का मतलब है अपना कोई भी बल नहीं होना। शरणागत का स्वरूप, हमने अपने आप को न हमारा कोई साधन का बल है, साधन में बराबर लगे रहने के बाद भी अपना कोई बल नहीं माने। हे लाडली जी, ये जो भी साधन भयो, आपकी कृपा सो भयो, आपके श्री शरणन में समर्पित है। हे स्वामी जी, हे बिहारी जी, हे वृंदावन चंद जी, गुरु आचार्य, कृपा मनाते हैं। नाम जब बराबर करे, नाम जब अनन्य भाव सो, अनन्याश्रय और दीनता पूर्वक रहे, प्रार्थना रत रहे, तो हे महाराज, हम आपकी शरण हैं, शरण हैं। शरणागत और प्रेमी जनों, अपने आप को, क्योंकि सहचरी भाव के उपासक हो, नाम जाप के साथ साथ बड़े बताते रहे पूज्यपाद जी महाराज, छवीली मुखिया जी महाराज आदि आदि रसिक जन बताते रहे कि चलते फिरते श्री हरदास नाम तो बराबर हृदय को हार रहनो ही है। वाणी पे, हृदय में, हृदय में उनको स्वरूप,
वाणी पसीरदास नाम मन में स्वरूप, उसके साथ साथ ही लाडली जी हम आपकी अंग संगनी आज्ञाकारिणी सहचरी हैं, हम आपकी दासी हैं सखी हैं, ये कहते रहना चाहिए। जो मांगोगे जो कहोगे वो ही मिलेगा, जिस वस्तु का चिंतन करोगे वो ही मिलेगी, विषय यह है। और ये संतन के रसिकन के संग से प्राप्त होता है ये सब गुण, भगवत संबंधी, हरि संबंधी, शरणागति संबंधी। संसार तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र विचार होते हैं, सपने सुख ने लिखो संसारा, स्वयं कर्ता बनता है संसार। लेकिन ये शरणागत, ये स्वयं कर्ता नहीं, हरि आश्रय है, अनन्य आश्रय, इष्ट आश्रय होता है इनके हृदय कमल में, एक आश्रय, मोई भरोसो स्वामी जी को। जब तुमको भरोसा हो स्वामी जी को तो फिर करी ही अपनो आप बरोबर। ये ऐसे दयालु कृपालु रसिक राज हैं, एकमात्र उनको भरोसा, और कोई भरोसे त्याग कहें तो अनंत जन्म की पीड़ा को दूर करके तुमको अपने बरोबर ही सहचरी, अंग संगनी सहचरी बना लेंगे, ऐसे उदार चूड़ामणि है, इसमें संशय एक प्रतिशत नहीं बिल्कुल भी। इस रीति को धारण करिए, प्राण आधार है पी को, स्वयं बिहारी बिहारन के युगल के प्राण आधार स्वरूप हैं ये स्वामी जी, हृदय रस रूपा सहचरी हैं, प्रेम सहेली हैं ये, ऐसे ही मत मान लीजिए। बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। साधक ने कहा महाराज श्री, ये विषय वासना संसार आसक्ति मन की चंचलता ये आवरण है, ये कैसे दूर होंगे प्रभु? कि विषय वासना जारिखी कर, एकमात्र शरण त्यारे श्री हरदास स्वामी जी की शरण, मोहि भरोसो स्वामी जी को, स्वामी जी को भरोसो है, कृपा ही अवलंब है, अनन्य आश्रय है, दीन भाव है। तो ये सब रीतियां हैं, सदगुण सदाचार हैं, दृढ़ प्रण है, वैराग्य है, अनाशक्त भाव है संसार में, आशक्ति प्रभु के शरणों में है। तो ये सदगुण सदाचार जो भी हैं, दीनता नम्रता, तो बिहारी बिहान रीझ जाते हैं। प्रभु बड़े दयालु हैं, नाम जप श्री हरदास श्री हरदास, साक्षात ये नाम बिहारी बिहारन का स्वरूप है, स्वामी जी का स्वरूप है, नाम के अंदर इष्ट बैठे हैं, ऐसा भाव, ऐसी दृढ़ता रखिए। माला जाप कर रहे हो तो उसमें ललता जी की गोदी में बिहारी बिहारन बैठे हैं, एक एक मनिया पे श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, ऐसा भाव। कब देखा भरने गौर श्याम दुलाड़िले, श्री हरिदासी एन करतु बिहार अभंग जिम, ऐसा सुख सौभाग्य ये मन में आकांक्षा तीव्र। कौन सी घड़ी, कौन सा समय कि मैं बिहारी बिहारन को ललता जी की गोद में बिहार परायण निरखों सहचरी भाव से, ये सौभाग्य कैसे प्राप्त? अब लियो ये आकांक्षा, कब देखो भरने
नेत्रों से भर भर के। ये विचार, ये सुदृढ़ विचार, जो विचारोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। दरवाजा खटखटाओगे दरवाजा खुलेगा, निश्चित। खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, मांगते रहो। और मांग नहीं, देव दया कर दान न भूलो केल को, भगवत बलित तमाल विलों को वेल को। नाम जाप करते हुए ये सुदृढ़ मांग सहस्री भाव से भावित हो। प्रेमी जन, महाराज श्री वंदे अख्तियार भला चित न डुला। हे प्यारे, ये अधिकार अख्तियार मौका भला, बहुत मुश्किल से भला मौका प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। न फिर दर दर पिदर दर नहु अंधला, दर दर पिदर दर संबंधियों के दर पे, नाना प्रकार की उपासनाओं के दर पे, एक अनन्य भाव से दृढ़ कहूं जिन जाओ निभाए पने, व्यवचार इनको संग दुख दहे। जो पे बाप की लाख टका चलो छाण, तो पांच टकारन कौन गए। स्वामी जी के दरवाजे पे डेरा और कहीं नहीं, एक आस एक वास एक दास। वस्तु स्थामल होती है निश्चित दृढ़ता। देखो कैसी अनुभूति होती है उनकी कृपा से, ये दृढ़ता होगी। संकल्पित विचार एक ठोर मन, महाराज श्री बहुत समझाते हैं। न फिर दर दर पिदर दर न हो अंधला, कहें सी अरदास, करता किया सो हुआ सुमेरहु अचल चला। जो करता कर्तन के कर्ता श्री बिहारी जी महाराज हैं, वो जो करते हैं वो ही होता है। कर्ता कृत माने नहीं, माने निज करतूत, लेकिन अनभिज्ञ प्राणी अपने करतूत स्वयं कर्ता बनता है, ये अनभिज्ञता है। इसी कारण से अनेक जन्म मरण होते रहते हैं। शरणागति का यह स्वरूप नहीं, ये संसार की असारता का, अभिमान का, अहंकार का संसारी स्वरूप है। ये मैं करता हूं, मेरे प्रभु करता है, ये शरणागति का स्वरूप। मन क्रम वचन विचार डार सब समझे भयोदार, कहें सिरदास, करता किया सो हुआ सुमेरु अचल चला। जो हरि करते हैं सब कर्तन के कर्ता हैं, जो चाहे वो कर दें। लंगड़े आदमी से पहाड़ को लंगवा दें, प्रकाश को अंधकार में बदल दें, अंधकार को प्रकाश में बदल दें। एक चैंटी से जो है चींटी को हाथी बना दें, हाथी को चींटी बना दें। वो सर्व समर्थ हैं प्रभु, उनके लिए ये नहीं कैसे। देखो एक बात और है, समदर्शी हैं प्रभु, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। गीता जी में कहते हैं न मेरा कोई द्वेषी है न प्रिय है, मेरे लिए सब समान हैं। ये उनके दृढ़ कानून है। और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जैसे जैसे कर्म करता है प्राणी उसी प्रकार से उसको दंड देते हैं अथवा सुख देते हैं। ठाकुर का ये कानून है, इस कानून के हिसाब से चाहे कोई भी हो सब कुछ कानून के दायरे में रखते हैं। लेकिन भजंती तुमाम भक्त्या मैते ते सुचापियम। लेकिन भैया एक बात है,
जो मुझे भक्ति भावना से अनन्य प्रेम से भजते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो कानून को मैं छोड़ देता हूं। प्रभु कहते हैं फिर मैं उस कानून को छोड़ देता हूं। ये कानून तो संसार आशक्त प्राणी जो मेरे अनुगत दास नहीं है उनके लिए है। देखो कैसी बात है, भजन्ति तुमाम भक्त्या मैति तेषु चाप्यहम्। वो मेरे में है, मैं उसमें। ये शरणागति का स्वरूप है। तो इस तरीके से आचार्य जन ठाकुर कहते हैं, तुमन क्रम वचन विचार डार सब समझे भयोदार। तो मन क्रम वचन से विचार के महाराज श्री बोले हम उदास हो गए, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, प्यारे तुम्हारे चरणों में हैं हम, जितने भी साधन है कोई काऊ को बल ना है, एक आपके श्री चरणन को बल है। करम कठिन वो जोनी न भ्रम्यो भ्रमत रहो गर्भुबा। अनेक प्रकार के कठिन कर्म करता है ये प्राणी। कर्म कठिन बहुत जोनी ने भ्रमो भ्रमत रहो गर्व। स्थावरम विस्तीर लक्ष्यम जल जन नव लक्ष्य कम कूर्माश रुद्र लक्ष्यम च दस लक्ष्यम च पक्षिण त्रंस लक्ष्यम पशु नाम च चतुर्लक्ष्यम च वानरा ततो मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि कार्येत। बड़े कहते हैं इस तरीके की ये 84 लाख योनि है। स्थावरम विंशतेर लक्ष्यम पेड़ पौधा पहाड़ आदि ये 20 लाख तरीके के हैं। ये भी जो है जीव हैं, पेड़ पौधा ये सब जीव हैं। तुम ये सब कुछ बन चुके हो, पहाड़ पेड़ पौधा सब कुछ। जल जन नवलक्ष्य कम जल के जीव, देखो उन बेचारे कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां उनका कोई ठिकाना, कोई ठिकाना। 9 लाख प्रकार के कूर्माश रुद्रलक्ष्यम च कीड़ा मकोड़े 11 लाख प्रकार के और 10 लक्ष्यम च पक्षिण 10 लाख प्रकार के पक्षी। देखो कैसी कैसी योनियां हैं। त्रंस लक्ष्यम च त्रंस लक्ष्यम पशु नाम च 30 लाख प्रकार के पशु हैं और 4 लाख प्रकार के वानर हैं, अर्ध मनुष्य। इसके बाद में ततो मनुष्यताम प्राप्य इन अंतिम योनि मनुष्य तथा कर्माणि कार्य। एकमात्र कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि को ही है और ये जितनी भी योनि बताई हैं ये सब भोग योनि हैं। प्रेमी इनमें कोई भी कर्म करते हैं वो भी भोग है, भोगते हैं वो भी भोग है, सब भोग योनि। एक सत्कर्म करने का
कर्म करने का अधिकार सद्बुद्धि एक मनुष्य और मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज कहते हैं, कर्म कठिन भोजोनिन भ्रम्यो, भूतेरे नाना प्रकार कर्म करे भव तरण को उल्टे परे भव माए, भवसागर से पार होने के लिए कर्म किए थे लेकिन उल्टे भवसागर में और पड़ गए। पेड़े व्यास अनन्य के जोपे जानो नाय, अनन्य भक्ति नहीं है जिनके हृदय में, नाना प्रकार के कर्म किए जाए संसार पार करने के सुख चाहने के, और सारे कर्म फंसाने वाले होते हैं ये जीव को, निकालने वाली तो हरि प्रेम हरि भक्ति है, प्रेमी जनों अनन्य भाव है। तो भ्रमत रहो गर्भवास, अनेक गर्भों में जाना, तेह सुमिरत भय भीत भय आनत मानत हो तन त्रास। महाराज श्री बोले, इन योनियों के विवरण को स्मरण करके शास्त्र वेद प्राणों के द्वारा जो संत महापुरुष याद दिलाते हैं, मन में भय उत्पन्न होता है, हे प्रभु आप बचाओ, हम तो आपकी शरण हैं प्यारे, अनेक जन्म जन कहां कहां खटर पटर में बीत गए, क्या क्या करते, चार घंटे पहली बात भी याद नहीं होती है, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, अचिंत वस्तु का अचिंतन इनकी कृपा से तुम कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, ये सुख सौभाग्य, जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मना, और वात सब वाद और सब वाद व्यर्थ हैं, भजन करो श्री हृदय श्री हृदय श्री हृदय, इसीलिए जन्म मिला है, इसीलिए मिला है। माया प्रवल परम दारुण मैं लेन न दे तोषा, ये जो माया है बड़ी प्रबल है, बड़ी दुखदाय दुख देने वाली, उशास भी नहीं लेने देती है जीव को, घसीटती रहती है परमार्थ के पथ के पथिक बनने के बाद भी दाव देखती रहती है, जो जो दाव उपाव कर्तमन ते ही रूप धरियावे, बचौन चंद्र इंद्र ब्रह्मा तेउ बिन तार नचावे, जैसे जैसे बचने के उपाय करता है ऐसे कोई को रूप धारण करके और सामने आ जाती है, साधक बेचारा समझ भी नहीं पाता है, फिर घबरा के प्रभु से प्रार्थना रत, हे प्रभु आप ही बचाओ, ये माया बड़े बड़े रूप धारण करती है, मन को विकृत करती है। मनेव मनुष्याणाम कारणम वंद मोक्षयो वंदाय विशाशक्तम मुक्तय निर्विषम मनः, वंदन का कारण ये विषयी मन है और हरि प्राप्ति का हरि मिलन का कारण निर्विषयी मन है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान बोले हे अर्जुन, ये त्रिगुणमयी मेरी माया, अपनी माया बताया, अपनी भक्त अपनी माया, तो यह माया से कैसे, माया से पार तो जब ही पाएंगे जब मायापति के श्री चरणों का आश्रय अनन्य आश्रय लेंगे, माया भी उन्हीं की है और भक्त भी उन्हीं के हैं, संत भी उन्हीं के हैं। भाण भड़ाई कर गए तो देखी राण, माया हर की लाडली संत हरि के भाण, भाण भड़ाई कर गए तो ठाड़ी देखे राण। कहने का तात्पर्य, जब संत महापुरुष श्री चरणों में बिहारी विहरण के में अनन्य आश्रय लेते हैं तो फिर माया की कुछ नहीं चलती है, देखती रह जाती है, कब हूं काल न ख्याल करत डर,
भूल न तिन तन सकत निहार और कहन सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो माया रही लटी हुए हार। माया हार जाती है जब दृढ़ता होती है, अनन्यता होती है, समता होती है, सहनशीलता होती है। कृपा अवलंब अनन्याश्रय हे प्यारे आप हो, हमारी प्राण सर्वस्व स्वयं करता नहीं। मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है बड़ी दुरत्या है। महाराज कैसे पिंड कटे या माया ते, कैसे दूर हो मैं प्यारे, बड़े जन्म हो गए कैसे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, मेरे चरणों का अनन्य आश्रय लेता है अर्जुन वही मेरी माया से पार हो सकता है। अनन्य चेतहा सततम, अनन्य चेतहा सततम, जो सतत अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से, अनन्य मन से मेरा चिंतन करता है, स्मृति करता है। तो तस्याम सुलभ पार्थ, उसके लिए ही पार्थ मैं सुलभ हूं। बताओ कौन के लिए सुलभ है प्रभु? अनन्य चेतहा सत्तम स्मृति माम नित्य सह, उसके लिए मैं हमेशा स्मरण हरि स्मृति सर्व्याद विनाशनम, उनके लिए सुलभ है बिहारी बिहारी। अति दुर्लभ होते हुए भी अनन्य दास के लिए प्रभु सुलभ हैं। और उपाय गवाए गए सेवा बिन भये निराश, ही प्यारे सारे उपाय हमारे निरस्त हैं प्यारे। आप हमारे, हम आपके, हम तो आपके शरण हैं प्यारे। सेवा बिन भये निराश, अब तो आप अपनी सेवा में हमेशा हमेशा रखो, बिना सेवा के निराशता होती। आपकी सेवा सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग वसी हो मान कोटि नाते, आज्ञाकारी दास बिहारी रुख ले सुख संचरों। वो करोड़ों बाणिक भी करे लेकिन शरणागति के व्रत से नहीं टलना चाहिए। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, ये दृढ़ व्रत अनन्य व्रत, फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दीनता भाव, समता भाव, अनन्य भाव। नाहिन दृष्टि दिल और बियो, बिन तो ही रसिक रसरास। ही रसरासी स्वरूप रसिक राज स्वामी जी महाराज, केवल और केवल आपकी ही दृष्टि चाहिए। नाहिन दृष्टि दिन और बियो, और दूसरी काऊ की नहीं चाहिए, आपकी ही कृपा चाहिए। और हमारी भी दृष्टि आपके श्री चरणों में ही लगी रहती है और कहीं नहीं, केवल आपके श्री चरण लगी। कहते हैं ना, मम मनो हरदास पदाम्बुजे बसतु सर्व दुरास विनाश की, मेरा मन हमेशा हमेशा स्वामी जी के चरणारविंदों में नमन रहे, चरणारविंदों में झुका रहे, सर्व दुरास विनाश के सभी दुराशाओं का विनाश करने वाले स्वामी जी के चरणारविंद सर्व सुख प्रदान करने वाले। तदनुगाम सुसंगत रस्तु, जो स्वामी जी की रीति हो उनके श्री चरणों का अनन्य आश्रय लेके और पथ पे आरूढ़ हैं जो रसिक जन, उन्हीं का संग हमको प्राप्त हो जाए। संगत रस्तु तदनुगाम सुसंगत रस्तु बपुरुदम विपरान्न तु या तुम्हें, और मेरा ये शरीर
जब तक रहे जब तक वृंदावन ते तनक भी बाहर नहीं जाए, ये मेरी प्रार्थना है रसिकराज। हे प्रेमी जनों, रसिकराज के श्री चरणों में अनन्या सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, मन श्री हरिदास गुण नाम भाखों, नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन, मन श्री हरिदास निस दोष आंखों। जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विद विषम नाखों, धन्य सोई शीश श्री हरिदास चरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखों। एकमात्र स्वामी जी के स्वरूप में ये नैन बसे रहे, शरण तिहारे श्री। तो नाहिन दृष्टि दिन और बियो, बिन तो ही रसिक रसरास। हे रसिक रसरास, अन्य नृत्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, मेरी और गति मति नहीं है, मेरे आप ही प्राण धन हो, प्राण आराध्य हो। बिहारी दास को अब करुणा करे राखो चरण, हे करुणालय दयालु, करुणा के सागर, दया के सागर, कृपा के सागर, एकमात्र मैं आपकी शरण हूँ, राखो चरणन पाद, आप अपने चरणन में हमेशा हमेशा यह दास को रखो, तनक मन दूसरी जगह नहीं जाए कि आपकी कृपा संभव है प्यारी। ये प्रार्थना, ये दृढ़ता, ये अनन्यता, ये दीनता और ये कृपा अवलंब प्रेमी जनों अनुगतों के पास चाहिए, वस्तु निश्चित स्थामल। स्वामी जी महाराज श्री हरदास।